हेलो दोस्तों, आज के इस प्रोडक्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे और बढ़िया GFX टूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि बेसिकली एक पेड GFX टूल है, नो एड्स वाला, बट मैं आप लोगों को और उसे फ्री में उसका डाउनलोड लिंक भी दूंगा और आपको उसकी बेसिक सेटिंग भी समझा दूंगा कि अगर आपका डिवाइस बिल्कुल ही कचड़ा है तो आपको उसे कैसे यूज़ करना चाहिए उस GFX टूल को। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल बेस्ट GFX टूल है, उसमें कोई ऐड भी नहीं आता और वो पेड वाले हैं। हाँ, तो आप उससे अपने फ़ोन में पोटैटो ग्राफिक्स भी ऑन कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में पोटैटो ग्राफिक्स नहीं है तो आप उसे इजीली ऑन कर सकते हो। तो यार, पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ प्ले स्टोर पर GFX टूल कौन सा है और फिर हम चलेंगे उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ। बताने वाला कि वो GFX टूल कौन सा है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो बेसिकली उसका नाम है PGT+। सर, मैं आपको दिखा देता हूँ कि GFX टूल एक्चुअली में पेड GFX टूल, आप देख सकते हो उसका प्राइस। और मैं आपको दिखाने वाला कि मैं इस GFX टूल को मैंने फ्री में कैसे किया। बेसिकली मैं आप लोगों को अपने गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहाँ से कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यही वो एग्जैक्ट सेम GFX टूल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे अभी बड़ा बड़ा PGT+ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप उसे, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस GFX को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसे चेक कर लेना, इसके इसका डाउनलोड लिंक। तो यार, अब मैं उस GFX टूल को खोल चुका हूँ, आप देख सकते हो बिल्कुल वही GFX टूल जिसका मैंने आपको लिंक दिया था। और यार ये, अब आप GFX टूल को खोलोगे तो मैं आपको शुरू से लेके एंड तक आपको इसकी सारी सेटिंग सिखाने वाला हूँ। सो आप ध्यान से ये पार्ट देखना भाई, आप कितना था GFX टूल कर लो उसका कोई फ़ायदा नहीं अब तक आप उसकी सारी सेटिंग्स को अच्छे से यूज़ नहीं करोगे। और मैं कुछ इसमें खास बातें बताऊँगा, खास करके रेजोल्यूशन के बारे में आपको टिप दूंगा, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपके आगे गेम वेरिएंट, बेस्ट सेटिंग्स फॉर योर डिवाइस को मत छेड़ना, किसी काम की नहीं लगती मेरे को। गेम वेरिएंट आपका जो है, बेसिकली हमारा गेम वेरिएंट ग्लोबल है तो हम ग्लोबल ही चूज़ करेंगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहले जाओ बेसिक ग्राफिक्स में। रेजोल्यूशन आपका बाय डिफॉल्ट कुछ भी है, आपको उसे डिफॉल्ट ऑटो पे सेट करना, आपको रेजोल्यूशन बिल्कुल नहीं छेड़ना, ध्यान से सुनते जाना। ग्राफिक्स अपने स्मूथ पे ही रखना, FPS को बिल्कुल 60 ले जाना, 90-120 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने फ़ोन नहीं फाड़ना, इतनी मेरी गारंटी है। ये आपके आगे जो भी आ रहा है क्लासिक कलरफुल रियलिस्टिक सॉफ्ट मूवी है, वही ग्राफिक्स है जो गेम में आते हैं, आपकी मर्जी आप कोई सा भी सेट कर लो। और यार नीचे तो आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, शेडो उसे पूरा ऑफ रखना, ठीक है, शेडो को बिल्कुल डिसेबल रखना। और ये जो MSSA आ रहा है ये वो है एंटी एलियसिंग का ऑप्शन है, इसे भी डिसेबल रखना है, इसे ऑन रखने का अभी के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हाई एंड डिवाइसेस में अगर ऑन रखना काफ़ी, बट आप GFX टूल यूज़ कर लो आपका डिवाइस हाई एंड नहीं है, सो इसे मत यूज़ करना। उसके बाद यार, जब आप बेसिक ग्राफिक्स के बाद मिसेलेनियस ग्राफिक्स में होंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा कलर फॉर्मेट का ऑप्शन, तो उसे 32 बिट पे सेट कर देना। 64 बिट पे कलर क्वालिटी अच्छी होगी बट आपका डिवाइस का लैग बढ़ेगा। तो यार उसके बाद आपने एरो दबाया तो आपके सामने तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ग्राफिक्स रेंडरिंग लेवल लो, ऑब्जेक्ट एलओडी डिस्टेंस लो, और ये जो मटेरियल एलओडी डिस्टेंस है बिल्कुल लो रखना। डिटेल मोड बिल्कुल ऑफ, लाइट्स इफेक्ट डिसेबल, दोनों चीज़ों का बिल्कुल डिसेबल रखना है यार, आप उनको ऑन करोगे आपका डिवाइस काफ़ी लैग कर सकता है। उसके बाद आप एडवांस ग्राफिक्स में आओ, मेमोरी बूस्ट ऊपर हर फोन में ऑन कर देना, जीरो लैग। तो ये जो जीरो लैग मोड है, बेसिकली मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये जीरो लैग मोड ऑन करोगे, शुरुआत में मैंने आपको जो ऊपर सेटिंग्स बताई थी आप ध्यान से सुनना, वो आपकी अपने आप लग जाएंगी, जैसे कि स्मूथ एक्सट्रीम वाली। जीरो लैग मोड में आगे तीन प्रोफाइल्स है, बैटरी सेवर अगर आपके फ़ोन की बैटरी मतलब अच्छी नहीं है, बैलेंस रिकमेंडेड और मैक्स FPS। तो यार आप उसे मैक्स FPS पे रखना, आपकी बैटरी होश में हो सकता है ज़्यादा लगे, आपका फ़ोन भी हीट होगा काफ़ी, बट फिर भी आपको लैग से बचना तो आपको ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद यार आपके आगे क्वेश्चन होगा हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रेंडरिंग, तो उसको आप ओपन GL 2.0 पे रख देना, जो कि गेम की परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, ना कि क्वालिटी को। इसमें आप क्वालिटी का क्या करोगे जब आपका डिवाइस ही लैग होगा। उसके बाद GPU ऑप्टिमाइजेशन को अप्लाई ऑल पे रखना, ये बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट पे होगा बट आप इसे अप्लाई ऑल पे कर देना। नीचे आपके दो ऑप्शंस आ रहे हैं गाइस, इसमें पोटैटो ग्राफिक्स और सेव सेंसिटिविटी सेटिंग्स। देखो पोटैटो ग्राफिक्स आप तभी ऑन करना जब आपके डिवाइस की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और सेम विद जीरो लैग मोड। अगर आपका डिवाइस ठीक ठाक चलते और आपको सिर्फ उसमें 60 FPS अनलॉक करना, आपको पोटैटो ग्राफिक्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस पोटैटो ग्राफिक्स और जीरो लैग मोड को ऑफ, आपके फ़ोन के ग्राफिक्स काफ़ी हिल जाएंगे और आपके कंट्रोल्स भी हिल जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि आपके कंट्रोल्स भी हिल सकते हैं। सेंसिटिविटी सेटिंग, सेव सेंसिटिविटी सेटिंग्स को आप पूरी तरह से ऑन रखना, उससे आपके कंट्रोल्स थोड़े बहुत हिलेंगे, ज़्यादा नहीं हिलेंगे। अगर आप इसे ऑफ रखोगे तो बहुत चांसेस है कि आप सीधा डिफॉल्ट थंब सेटअप पे चले जाओ। पोटैटो ग्राफिक्स को अपनी मर्जी से ऑन रखना गाइज, आपको पता आपका डिवाइस कैसा है,
तो मैं बाय डिफॉल्ट रिकमेंड करूंगा कि आप ऑन कर ही लो, बिकॉज उससे लैग कम होगा एंड जोन में। तो यार देखो कैसे भी डिवाइस से लैग कर ही जाता है, तो उसे ऑन रख लेना, उससे आपका लैग काफ़ी कम होगा। उसके बाद यार आपके आगे जो ऑप्शन आ रहा है एक्सपेरिमेंटल ग्राफिक्स का, आप उसमें जाइए। इनहेंस साउंड क्वालिटी का बिल्कुल मत टच करना, हाई है, बाय डिफॉल्ट हाई पे ही आता है और हाई पे ही रहने दो। उसके बाद आपके आगे ऑप्शन आ रहा है सिंपल शेडर ऑफ, लास्ट रेजोल्यूशन तो बिल्कुल भी ऑफ, और जो नीचे मतलब ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफिक्स की स्क्रीन को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो यार अगर आप यहाँ तक आए हो तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अब बस आप एडवांस ग्राफिक्स में जो मैंने आपको बात बताई ये वाली बात थोड़ी ध्यान से आप देखना कि जीरो लैग मोड और पैराडो ग्राफिक्स आप ऑन रखो, इससे लैग कम होगा बट इससे आपके ग्राफिक्स भी हिल जाएंगे। और आगे इस आपकी मर्जी, और फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ऊपर अप्लाई और ये रन गेम। तो यार दैट्स इट, अब आपका GFX टूल सक्सेसफुली आपके फ़ोन में लग चुका है और आपकी गेम में पैराडो ग्राफिक्स आ जाएंगे अगर आपने वो पैराडो ग्राफिक्स वाली सेटिंग्स ऑन की हो। आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।